क्या पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है? इसराइल से अहम हथियार खरीदने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी एजेंसीज, FIA, पुलिस सभी इसराइल के बनाए हुए अहम हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि किसी भी मुल्क से व्यापार करने का मतलब होता है उस मुल्क को तस्लीम करना। क्या वाकई पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है? इसराइली अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मोबाइल फोन हैक करने की इसराइली टेक्नोलॉजी खरीद ली है। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी फर्म के बरास्ता सिंगापुर बेची गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि FIA और पुलिस 2012 से इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी फर्म की मसनूआत इस्तेमाल कर रही हैं और बैन अक्वामी शिपमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक इसराइली फर्म सेलिब्रेट एशिया पैसिफिक ने 2019 तक पाकिस्तानी कंपनियों और FIA को अपनी मसनूआत बेची। 2012 में सिंध पुलिस ने इसराइली फर्म सेलिब्रेट की UFAD टच अल्टीमेट डिवाइसेस हासिल की। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस, चीन, युगंडा, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, रूस, इथोपिया और बांग्लादेश इसराइली फोरम के क्लाइंट्स में शामिल हैं। इसराइली फर्म सेलिब्रेट एशिया पैसिफिक ने इसराइली अखबार की रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए बताया कि कंपनी पाकिस्तान को बराह रास्त या बिलवास्ता फरोख्त नहीं करती। इसराइली फर्म सेलिब्रेट ने पाकिस्तान के लिए सिंगापुर शिपमेंट सर्टिफिकेट और पाकिस्तानी सरकारी टेंडर्स के साथ ताल्लुक की वजाहत करने से भी इनकार किया है। इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी फर्म का कहना है कि कंपनी अपने आलात सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और महकमा पुलिस को फरोख्त करती है। दूसरी जानब इसराइली वजारत दिफा ने इस रिपोर्ट पर रद्द अमल देने से गुरेज किया है।